वर्ष 1997 में अंकलेश्वर पानुली सहित झगड़िया जीआईडीसी उद्योगों सामे गन हेजार्ड्स गन कचराना निकाल माटेनो यक्ष प्रश्न हतो तेवा समये बेइल कंपनीनी स्थापना करवामां आवी हती। आ देशनी सौ प्रथम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइड हती। त्यारबाद तबक्कावार त्रण फेजनी लैंडफील साइडनुं विस्तरण थयुं हतुं। आज रोज 8 जुलाई ना रोज बेइल कंपनीनी जीताली गाम नजीक अलायदी नवी लैंडफील साइट माटे पर्यावरणीय लोक सुनावणी भरूच जिल्लाना अधिक कलेक्टर जेडी पटेल तेमज जीपीसीबी अंकलेश्वरना रीजियोनल ऑफिसर वीडी राखोलियानी निगरानी हेठळ राखवामां आवी हती। आ पर्यावरणीय सुनावणीमां सूचित प्रोजेक्ट साइटना 10 किलोमीटरनी त्रिज्यामां आवता गामोना प्रतिनिधिओ ग्रामजनो पर्यावरण प्रेमीओ राजकीय आगेवानो उपस्थित रह्या हता। आ लोक सुनावणी दरमियान विविध गामना प्रतिनिधिओ प्रोजेक्ट संदर्भे उभी थनार आशंकाओ संबंधित वांधा अरजी तर्को तेमज दलीलो रजू करवामां आवी हती। जे सामे बेइल कंपनीना सत्ताधीशोए तार्किक कारणों टेक्निकल डेटा तेमज सीएसआर प्रवृत्तिओ तेमज पर्यावरणीय मापदंडोनो हवालो आपीने जणाव्युं हतुं के प्रोजेक्टने पगले स्थानिक रोजगार वांछुकोने घर आंगणे रोजगारी मळशे। तेमज आ प्रोजेक्ट थकी तबक्कावार 20 मेगावॉट जेटली वीज उत्पादन पण शक्य बनशे। तेमज 40% ग्रीन बेल्टनुं निर्माण थशे। अत्रे नोंधनीय छे के आ लोक सुनावणीमां खास करीने जीताली गामना लोकोए जळ जमीन तेमज वायु तत्वनी जाळवणीना मुद्दे कंपनी सत्ताधीशो सामे प्रश्नार्थो खड़ा कर्या हता। जे सामे कंपनीना प्रोजेक्ट प्रोपोनट अशोक पंजवाणी अने वीडी दलवाड़ीए आ सूचित प्रोजेक्ट थकी कोईपण जातनुं प्रदूषण फैलाशे नहीं तेवी बाहेधरी आपता ग्रामजनोनी शंकाओनुं समाधान करवाना प्रयासो कर्या हता। वधुमां सामाजिक राजकीय अने पर्यावरण तज्ञोए आ सूचित प्रोजेक्टने आवकार्यो हतो। आ प्रसंगे गुजरात विधानसभाना नायब मुख्य दंडक दुष्यंतभाई पटेल लघु उद्योग भारतीना राष्ट्रीय अध्यक्ष बळदेवभाई प्रजापति जीआईडीसी एम्प्लॉइज युनियनना प्रमुख डीसी सोलंकी जिल्ला पंचायत आरोग्य समितिना अध्यक्ष आरतीबेन पटेल तालुका पंचायत उपप्रमुख तृप्तिबेन जानी उद्योग अग्रणीओ पर्यावरण प्रेमीओ उपस्थित रही सूचित प्रोजेक्ट अंगे हकारात्मक विचारों रजू कर्या हता। आज बेइल कंपनी माटे जे अत्यारे जे मीटिंग करवामां आवेली छे बेइल कंपनीमांथी जे वेस्टमांथी निकाल करवामां एक सारी बाबत छे। पण अत्यारे मारे जीताली गामनी अंदर जाऊं घणा समय पहला त्यां ए लोको जे कामगीरी करी हती अने जे अत्यारे संडास बाथरूम बन्या ते टोटली वेस्टेड छे। कोई पण एनो उपयोग करवामां आवतो नथी अने एकदम भंगार परिस्थितिमां बनायेला छे। अत्यारे जे एक प्रोजेक्ट आवी रहेला छे મારા મંતે પ્રમાણે કે જે વેસ્ટ વસ્તુ છે એને એક લોકો સારી રીતે ઉપયોગમાં રાખશે બરાબર છે એના માટે હું એમના માટે સમર્થન આપું છું। પણ એના માટે શું છે કે અમારા ગામના લોકોની જે ખેતીઓને નુકસાન થઈ રહેલું એવું ન થવું જોઈએ અને જે પણ વેસ્ટ છે એનો યોગ્ય નિકાલ થાય। અને મારા ગામની અંદર ઘણા બેરોજગારો છે બિચારા, એમને નોકરી નથી તો શું છે અમારા આજુબાજુના ગામડા લોકોને એમાં નોકરીઓ મળે અને જે એમને જે પોલ્યુશન છે એ પોલ્યુશન જ્યાં બી એ લોકો કરતા હોય એને નિયંત્રણમાં લાવે એક મારી એક એમને પાસે અપેક્ષા રાખું છું અને આગળ વધે મારે એમને દરેકને શુભેચ્છા પાઠવું છું। પણ લોકોને ન નુકસાન થાય એવી રીતના આગળ કાર્યવાહી કરી મારી અપેક્ષા રાખું છું। જય હિન્દ, જય ભારત, થેન્ક યુ। ये लिया जो कंपनी है वो एनवायरनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है और हमारी कंटिन्यूस एफर्ट रहेगी कि और कैसे अंकलेश्वर भरूच एरिया में एनवायरनमेंट इशू सॉल्व होए और जो भी कॉमन इश्यूज आए हैं उसके हमने खातरी दी है कि उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट एज अ बीआईएल और एज अ एसोसिएशंस विल ट्राई टू सी कि यहाँ के जो लोग रहते हैं उनके और कैसे उनके लिए सुविधाओं। काफ़ी सवाल पानी के ऊपर आए हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है लेकिन उसके लिए भी हम लोग साथ में मिलके उसकी सॉल्यूशन निकालेंगे। और मेडिकल चेकअप के ऊपर हमने गारंटी दी कि हम मेडिकल चेकअप कराएंगे, थर्ड पार्टी को बुला के चेकिंग करेंगे कि सबकी हेल्थ की कंडीशन अच्छी हो। और एडुकेशन के ऊपर भी हम लोग सपोर्ट करेंगे हमारे CSR CER फंड से। और मैं एक बार वापस शुक्रगुजार हूँ कि अपनी जो पब्लिक हियरिंग में जो लोग आए हैं जो हम साथ दिया है और जिसने अपने कंसर्न बताए हम साथ में मिलकर काम करेंगे। आज रोज भरूच एनविरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नी जे एक्सपांशन TSDF साइट छे एनू पब्लिक हियरिंग करवामां आव्यु। अंकलेश्वरना चिल्ड्रन एसोसिएशन हॉल खाते पब्लिक हियरिंग राखवामां आवेलुं हतुं। तमामनी रजूआतो जे छे
એ આપણે પબ્લિક હિયરિંગ પ્રોસિડિંગમાં એનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે અને એ સમાવેશ કરી અને આપણે જે ગાંધીનગર ખાતે જે કમિટી એનું ડિસિઝન લેવાનું છે એને મોકલી.